महागठबंधन का एक अंग राजद है, वो 21 तारीख को बिहार बंद का नारा दिया। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दिया था कि या तो प्रदेश अध्यक्ष आवे या नहीं तो नेता प्रतिपक्ष आवे। तो नेता प्रतिपक्ष झारखंड में है चुनाव में, और 21 बड़ी तैयारी है, उस तैयारी में जगताप बाबू प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए हैं, इसलिए उनके और नेता लोग नहीं आए। इसका कतई मतलब नहीं है कि महागठबंधन में पूरी जीत है, और 21 तारीख को हम लोग सब साथ हैं, बोलबंद है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरजेडी का किनारा हो गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और इस वक्त हमारे जितन मांझी जी हैं। मांझी साहब, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से तमाम लोगों साथ आना चाहते लेकिन आरजेडी का कोई भी नहीं है, क्या ये महागठबंधन टूट के संकेत है? कहा तो कि महागठबंधन का एक अंग राजद है, वो 21 तारीख को बिहार बंद का नारा दिया है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दिया था कि या तो प्रदेश अध्यक्ष आवे या नहीं तो नेता प्रतिपक्ष आवे। तो नेता प्रतिपक्ष झारखंड में है चुनाव में, और 21 बड़ी तैयारी है, उस तैयारी में जगताप बाबू प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए हैं, इसलिए उनके और नेता लोग नहीं आए। इसका कतई मतलब नहीं है कि महागठबंधन में कुछ टूट है, और 21 तारीख को हम लोग सब साथ हैं, बोलबंद हैं। मांझी जी, अगर पहले ये कहा गया कि उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव आया, आप सब आ गए, वो ऑफिस में बैठे हुए वो आए नहीं, तो इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि कोई आवश्यक काम आ गया होगा इसके लिए। बात सही थी, प्रस्ताव आया था वहीं से, और उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर आए। वो नहीं आया, इसका मतलब ये है कि कोई अति आवश्यक काम में लग गए हों। तो महागठबंधन में कोई तरह की कोई टूट नहीं, कुछ भी नहीं है। मांझी जी का ये कहना साफ तौर पर, आपको बताएं कि जितना मांझी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन पूरी तरीके से यूनाइट है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि महागठबंधन की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आरजेडी की तरफ से बुलाया गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, अखिलेश सिंह, मुकेश सहनी पहुंचते हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई नहीं पहुंचता, और ये बड़ा सवाल है। सहयोगी काल के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।